ओम शांति। हमारे यज्ञ को कैसे कुंभ मेला बनाए रखे, उस विषय में चर्चा करता हूँ। देखा जाए तो कुंभ मेला में हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं। जो महात्माएं होते हैं, ऋषि होते हैं, पर्वतों में कंदर में रहते हैं, वो लोग अपने अपने जगह में तो रहते हैं, लेकिन कुंभ के मेले में इकट्ठे मिलते हैं। वो लोग सोचते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अब क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा गौर से देखेंगे। कुंभ का अर्थ है, उसको आप संधि विच्छेद कर दीजिए, वो क्या मिलेगा व्याकरण में, क और उम्भ। क मतलब जल या अमृत, और उम्भ मतलब उससे अमृत या जल से पूर्ण करना। तो अभी देखते हैं, तो इस मेला को, मेला का जो नाम रखा है कुंभ मेला, तो क्यों रखा है? थोड़ा जो पौराणिक हिस्ट्री है उसमें हम गौर से देखेंगे तो थोड़ा हम लोग को भी मालूम पड़ जाता है। एक दिन दुर्वासा मुनि ने जब सवेरे सवेरे उठकर रास्ते में चल रहे थे, तो सामने इंद्र उनके सामने आमना सामने हुए, मिलन हुआ। इंद्र ने बहुत संबोधन करके उसका सम्मान किया। दुर्वासा ने उसमें संतुष्ट होके उसमें एक माला दान किया है। इंद्र ने उस माला को क्या किया, उस माला को एक उनका जो हाथी ऐरावत था उसको पहना दिया, और ऐरावत सूंड से लेकर पैर में कुचलना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्हें श्रापित कर दिया। इस श्राप के कारण देवताओं ने शक्तिहीन हो गए। जब शक्तिहीन हो गए तो उसका राज्य जाने वाला है। इसका विवाह विचार विश्लेषण करके उन्होंने पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ध्यान से देखा तो इसका हल विष्णु जी कर सकते हैं। फिर उन्होंने विष्णु जी के पास भेजा है और विष्णु जी ने इसका समाधान के लिए सागर मंथन का उसका बात रखा है। इस जो सागर मंथन का विचार परामर्श को लेकर दैत्य के राजा जो बलि राजा थे, उसका जो गुरुदेव शुक्राचार्य थे, उनके पास लेके गया। शुक्राचार्य ने देखा ये बात बहुत विवेचनायुक्त, उन्होंने स्वीकार कर लिया जे ठीक है, दैत्य और असुर में जो देवता और दैत्य में जो एक द्वंद है सदा काल के लिए मिट जाए। तो उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया और सागर मंथन के बारे में उन्होंने प्रस्ताव दे दिया। और उन्होंने जो प्रस्ताव आए थे उन्होंने बोला था जी आधा आधा, जो सागर मंथन से निकलेगा आधा आधा भाग हो जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य ने बोला जो पहला पूर होगा वो दैत्य के भाग में और बाद बाकी जो वो देवता के भाग में जाएंगे। तो इसी अनुसार सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन के लिए क्या चाहिए, एक मथनी चाहिए, रस्सी चाहिए। तो मथनी ढूंढते ढूंढते मंदराचल पर्वत को उन्होंने ढूंढा और वासुकी नाग को रस्सा बनाया और सागर मंथन शुरू कर दिया। पूंछ के तरफ देवता और मुख के तरफ दैत्य, दोनों रहते हुए सागर मंथन शुरू हुआ। अभी सागर मंथन शुरू हुआ लेकिन धरती उस भार को सहन नहीं कर पाया, वो नीचे जाना शुरू हुआ। जैसे नीचे जाना शुरू हुआ देव और दानव डूबने जैसा लगा, तब फिर से उन्होंने परमात्मा का शरण किया।
तो इसके बारे में गीत गोविंद जो पदावली कीर्तन के रचयिता रचना है उसमें एक श्लोक है, खितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण किना चक्र गरिष्ठे केशव धृत कुर्म शरीर जय जगदीश हरे। इसका अर्थ है, जब मंथनी के टाइम मंथन करते करते जब धरती नीचे जा रहे, कोई कुल नहीं, देवता और दानव दोनों डूब रहे हैं, तो उन्होंने कुर्म अवतार रूप धारण करके मंथनी के नीचे आ गए और मंथन कार्य चालू हुआ। ये कुर्म अवतार का स्पष्टीकरण मैं बाद में करूंगा, अभी खाली इसके ऊपर चल रहे। मंथन शुरू हुआ तो मंथन शुरू होते होते पहला पूर निकला जहर विष। ये विष इतना दुर्गंध है, इतना विषाक्त है, इतना जहरीली है, कोई सहन नहीं कर पाता है इसका जो गंध। तो दैत्य ने तो इनकार कर दिया, उन्होंने ये शिकार नहीं किया पीने के लिए, लेने के लिए। तब देवता और दैत्य दोनों फिर परमात्मा को ध्यान किया। उस टाइम परमात्मा ने नटराज रूप में नीलकंठ होके अवतरण किया और सारे जहर को पी लिया शिव ने। वहां दिखाते हैं नीलकंठ उसका जहर पीने के बाद गला एकदम नील हो गए, तो कृष्ण काय हो गए। इसीलिए एक नाम ईश्वर का कृष्ण पड़ा, लेकिन बाबा इसको उल्लेख नहीं करता है। काला हो गया शरीर, कृष्ण काय हो गया। तो जहर पी के सारे धरती को उन्होंने बचाया। अभी दूसरा पूर्व में जब मंथन शुरू होने लगा उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें निकले। उसमें कल्प वृक्ष भी निकले, कामधेनु निकले, कौस्तुभ मणि निकले और हीरा वो भी निकले। अंतिम टाइम में उच्चश्रवा घोड़ा वो भी निकले। ये सारे सब देवता ने लेके चला गया। लास्ट में वो कौन है, धर्मांतरी, उन्होंने अमृत कुंभ लेकर आए। और अमृत के ऊपर तो सबका नजर है, जो पिएंगे वो तो अमर बन जाएंगे। तो उस टाइम इंद्र ने इंगित किया, उसका पुत्र जो जयंत था उन्होंने लेकर गरुड़ में भाग गया। अभी संग्राम शुरू हुआ जो कुंभ मेला का असली पर्व ले जाके, लेकिन दानव ने, दैत्य ने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने उसके पीछे धावा किया। उन्होंने लेके पहले प्रयाग में वो कुंभ को रखा छुपा के, लेकिन जब तक वो नहीं मिले तब तक दानव और दैत्य में, देवता और दानव में लड़ाई शुरू। 3 साल तक वहां लड़ाई चला। फिर उन्होंने देखा यहां तो कुछ नहीं हुआ, तो उठाते टाइम वहां कुछ बूंदे गिर गए और फिर वहां आए इलाहाबाद। फिर वहां 3 जो नदी का अभी संगम देख रहे हैं त्रिवेणी, तो वहां 3 साल युद्ध चला। उसके बाद देखा तो यहां भी संग्राम नष्ट नहीं हो रहे, समाप्त नहीं हो रहे। फिर उन्होंने उज्जैन तक ले चला गया। फिर वहां 3 साल चला। उसके बाद लास्ट 3 साल नासिक में जा गोदावरी नदी। ये जो कहानी है, ये 3-3 साल जो चला है, मोट 12 साल, 12 साल के बाद युद्ध समाप्त हुआ। अमृत पीने के बाद ये संग्राम शुरू हो गया। ये 3 पहला जो प्रयाग में हुआ, वहां जो बूंद गिरे थे वहां गंगा नदी का उत्पन्न हुआ। फिर बाद में जब इलाहाबाद में हुआ वहां 3 नदी का संगम हुआ, त्रिवेणी जी गंगा यमुना सरस्वती बोलते हैं। फिर उज्जैन में जब गया वो शिप्रा नदी का वहां उत्पन्न हुआ। फिर बाद में गोदावरी नदी नासिक में। अभी हम आध्यात्मिक रीति से हम देखते हैं, जब हमारा यज्ञ शुरू हुआ, पहला यज्ञ स्थापना हुआ सिंध हैदराबाद में, वहां असुर ने बहुत निर्जातन शुरू किया, लखा भवन को आग भी लगा दिया। उसके बाद परमात्मा के निर्देश अनुसार ये ट्रांसफर हो गया कराची में। फिर भी वहां युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ट्रांसफर हो गया है। देखा जो सेवा का वृद्धि होने के लिए यहां भूमि
ठीक नहीं है। भारत माउंट आबू ट्रांसफर होके आए, ट्रांसफर होने के बाद भी जहां पहले था वहां भी भूत बंगला था, फिर वहां से ट्रांसफर होके धौलपुर हाउस गया, फिर बाद में शिफ्ट हो गए हमारा जो अभी पांडव भवन है वहां स्थापना हुआ। अभी हम देखते हैं कि ये जो जहां जहां ये कुंभ वहां रखा है छलकते हुए वहां जो बूंद गिरे वहां से नदियां उत्पन्न है। ये कौन सी नदियां? ये हमारे यज्ञ में जो जितने भी बहने हैं, पहले 400 करीब आए थे माउंट आबू तक आने के बाद, फिर धीरे धीरे थोड़ा जो भी रहे, ये सारे सब ज्ञान की नदियां बन गए। और इस नदियां को बाबा ने क्या किया, दूर दूर तक भारत के विभिन्न भिन्न प्रांतों में भेज दिया, और भेजने के बाद हर जगह में ये लोग वहां कुंड रचा, एक कुंभ लेके वहां रखा, और वहां के विभिन्न माने देख जहां जिस जिस प्रांत में गए हर जगह में जिज्ञासु आने लगे, और जिज्ञासु आते तो पहले उसको बाबा का परिचय दिया जाता है। हम इधर कुंभ मेला में देखते हैं कि यहां करोड़ों लोग आते हैं और ये सब भक्त लोग हैं, लेकिन उसका जो ऊपर वाला है ये साधु संत कंदरो पर्वत में जो रहते हैं तपस्या करते हैं परमात्मा के खोज में लीन होकर रहते हैं, उन्होंने पहले आते हैं, और आने के बाद जो उसका तिथि समय तारीख लग्न होता है उसमें वो लोग स्नान भी करते हैं। तो वहां आने के पहले भी उनको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये कौन सी रजिस्ट्रेशन? जब पहले वो लोग निकलेंगे उनको पांडा होता है, वो पांडा उनको लेके आते हैं। यहां भी देखते हैं जहां जहां हमारे सेंटर है वहां भी ये हमारे सारे टीचर बहने पांडा के रूप में भाई बहनों को तैयार करके लेके आते हैं। वहां देखते हैं जो तीन तीन साल में एक एक जगह में कुंभ मेला होता है, यहां भी क्या होता है हर सेंटर एक एक कुंभ के मेला है। वहां जिज्ञासु आते हैं, ज्ञान अमृत पीते हैं, पीने के बाद थोड़ा बहुत उसका मनन चिंतन चलता है, जीवन में बहुत दुख अशांति जो तपत है, बाबा बोलते हैं विकार की आग चारों तरफ लगी हुई है, यहां आते अमृत पी के शीतल छीटा मिलते ही उनका प्राण ठंडा हो जाता है। फिर वहां जैसा 12 साल में एक 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 महाकुंभ होता है, तो यहां भी सारे बहने तैयार करके एक साल प्यूरिटी जो ब्रह्मचर्य हमारा नियम है हमारे धारणा है ये सारे पालन करने के बाद महाकुंभ में ले आते हैं। कहां? ये मधुबन। वहां देखते हैं वहां आके सभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और कराने के बाद उसका तिथि तारीख अनुसार वहां पानी में स्नान करते हैं। यहां कौन सी पानी है? यहां तो कोई बाहर का वैसा स्थूल पानी नहीं है, एक ज्ञान की शीतल पानी में ये लोग स्नान करते हैं। तो देखा जाए हमारे जो जो भी जितने भी सेंटर है ये सारे एक एक कुंभ है, लेकिन बाबा ने इस कुंभ को कुंभ के रूप में नहीं रखा है, कुंड बना दिया। तो कुंड का बड़ा रूप होता है और जो भी जितना लेते हैं वो खुटता भी नहीं। बाबा ने बोला ये सब जो मंदिर में तीर्थ में जितना भीड़ नहीं हो रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा उससे ज्यादा भीड़ तुम्हारे इस कुंड में होगा। तो सभी प्यासे बन के आएंगे और अपना प्यास बुझाएंगे, जो जिस लक्ष्य आएंगे, कोई किसी को शांति चाहिए तो शांति कुंड में शांति ले सकते हैं, किसी को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान कुंड से ज्ञान अमृत पी के वो ठंडा हो सकते हैं, किसी को और कुछ मन की कामना होता है तो वो भी पूर्ण होता है, अशुद्ध कामना नहीं शुभ कामना। तो ये पूर्ण होने के बाद जब इनों को सब महाकुंभ में ले आते हैं,
इस महाकुंभ में जैसा भक्ति में चार तीर्थ स्थान है, चार धाम है, यहां भी हमारे चार धाम रखा है, बाबा ने बनवाया है। तो पहला जो धाम है जैसा बाबा की झोपड़ी है, तो जैसा आशिक मासूक को प्रेम के पत्र लिखते हैं, ये भक्त नहीं है बाबा के बच्चे, आशिक बनकर आते हैं और मासूक को प्रेम के पत्र लिखते हैं, दिल रुबा बनकर दिल भर को अपना बात शेयर करते हैं, बाबा क्या करते हैं उसके उत्तर में अथक देते हैं। बच्चे अभी थोड़ा सा समय बाकी है, इसमें अपने आप को मजबूत रखो तो क्या होगा, भविष्य निकट भविष्य में जीवन मुक्ति का पद आपको मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। वहां डुबकी लगाता है मोक्ष के लिए, यहां कौन सी मोक्ष मिलेगा, मोक्ष विकारों से मोक्ष, जीवन मुक्ति मोक्ष नहीं है, जीवन मुक्ति तो हमारा लक्ष्य वो प्राप्ति है, मोक्ष है जितने भी बुराइयां हैं, जितना भी गंदगी है, जितना विकार है उससे मोक्ष मिलेगा, इसमें मोक्ष मिलेगा तो हमारा लक्ष्य सामने दिखाई पड़ेगा और हम उसके तरफ चलेंगे। दूसरा जो धाम है वो बाबा का कमरा, बाबा के कमरे में जाते हैं तो किस लिए, बाप समान फरिश्ता बनने के लिए। अगले पिछले संडे मुरली में था, जब आप बाबा के कमरे में एंट्री करते हो, घुसते हो, बाबा भी तुम्हारे दिल के अंदर जो कमरा है उसके भी उसके अंदर घुस जाते हैं। वहां जाने के हर बच्चे प्रण रखता है क्या, जे बाप समान हम फरिश्ता बन जाए, तो बाबा भी क्या करता है, दो चीज देता है, उमंग और उत्साह रूपी पंख दिलाते हैं, बच्चे इस उमंग उत्साह रूपी पंख से तुम भी फरिश्ता बन के उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाते चलो। तीसरे जो धाम है वो कौन सी, शांति स्तंभ। शांति स्तंभ में क्या है, बाबा ने उसके बारे में क्या बोला, शक्तिशाली बनने की इच्छा हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। जो पिछले संडे मुरली में था उन्होंने बोला, जब तुम चप्पल उतार के शांति स्तंभ में प्रवेश करके परिक्रमा लगाते हो, बाप भी याद में रहने वाले बच्चों के सामने भी परिक्रमा लगाते हैं, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तुम जब हर स्तंभ में के सामने खड़े होते हो और मन ही मन बाबा के साथ लवलीन होकर रहते हो, उसका बातें स्मरण करते हो, बाबा की क्या, बाबा भी क्या करते हैं तुम्हारे सामने स्तंभ के रूप में खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, बाप तुम्हारा बैकबोन है, बच्चों को सामने करके बाप है बैकबोन बन के उसके मदद करते हैं, जो बच्चों को हिम्मत और उत्साह उद्दीपना आ जाते हैं। चौथा नंबर कौन सी है, बाबा के हिस्ट्री हॉल। ये हिस्ट्री हॉल में थोड़ा आप गौर से ध्यान से देखना, जाते से वहां क्या प्रेरणा मिलते हैं, सारे यज्ञ से शुरू से लेकर अभी तक वहां हिस्ट्री का चित्र लगा हुआ है, जैसा दर्पण में अपना मुख दिखता है ये यज्ञ की सारे रूपरेखा वहां दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप में, जितना जितना जैसा हलचल समाप्त होता है उतना क्लियर दिखाई पड़ता है। तो मन मनोभाव होके हम जब वहां प्रवेश करते हैं एक एक चित्र से हमारा रूप दिखाई पड़ता है। हमने पहला एक श्लोक उच्चारण किया था क्या, हा क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण किना चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। संसार को रखने के लिए, रक्षा करने के लिए उन्होंने कूर्म रूप धारण किया, कूर्म कछुआ, कछुआ का पीठ कैसा होता है, वज्र जैसा कठोर, सुदृढ़, पर्वत जैसा अचल अडोल। तो ब्रह्मा बाबा को आप देखो, कितना भी लखा भवन आग लगाया, कितना भी पिकेटिंग किया, खाना बंद कर दिया, रेशन बंद कर दिया,
उनका स्थिति कैसा है, कूर्म अवतार धारण किया, तो सारे सहन शक्ति उन्होंने एक एक कदम पर कदम रख के आगे बढ़ना शुरू किया। उस दिन हमारे सुशील भाई ओखली में हाथ डाला तो डरने की क्या बात, मुसलों से डरना क्या। तो ये भी ऐसा ही है, ये अग्निपथ में जब पांव रखा है तब मरने की क्या डर क्या है। इसीलिए बाबा पहले आते ही बोलते हैं तुम जीते जी मरे हो। एक जगदीश भाई का एक कुछ यादें याद आ रहे हैं। वो जब 1952 में आए, उन्होंने बोला, उनका एक क्लास है, वो क्लास 91 या 93 में कराया था मेडिटेशन हॉल में, हम वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने बोला जब हम पहली बार ये आए, पहली बार माउंट आबू 1952 में, तो हमने कल्प वृक्ष के नीचे साधनारत अवस्था में बाबा को देखा, और यहाँ के क्या देखता हूँ, बाबा एक हाथ में मिस्त्री का जो औजार होता है ना, वो लेके पत्थर लेकर रोड बना रहे हैं। उसका तो पा न जजो न तस्तो, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये तपस्वी मूर्त जहां वहां है, ये कौन सी कर्म कर रहे हैं। उनको याद आया गीता का एक महाभक्त जो श्लोक है, अब अजानंती मांगुड़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानंते मम भूत महेश्वरम। अब अजानंती मांगुड़ा, एक वृद्ध के तन में ईश्वर आगे जो कार्य कर रहे हैं ये साधारण मनुष्य क्या जानते हैं, आके देखो उसका पैर आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे ये बाबा ऐसा कर रहे हैं, मैं देख के ऐसे क्या कैसे जाऊं। तो मन ही मन संकल्प चलता है और बाबा उसको हाथ देते हैं, बच्चे आए हो पहली बार, जाओ आगे स्नान पानी करो, फिर आके मिलेंगे। उनको देखते हुए तो एक ईश्वर जो विश्व निर्माण का कार्य कर रहे हैं, और भी देखते हैं यज्ञ में कभी चंद्रमणि दादी के साथ एकदम साधारण छोटे से छोटा काम कर रहे थे, गोबर के लेकर उपला बना के जलाने के काम में आएंगे तो वो बना रहे थे। तो दादी ने पूछा बाबा ऐसा काम करेंगे, कोई अचानक कोई जिज्ञासु आ जाएंगे, व्यक्ति आ जाएंगे तो आपको क्या देखेंगे, बाबा ये काम छोड़ दीजिए। तो बाबा ने बोला हम बाबा ऐसा उनको दृष्टि देंगे उसको तो वो नजर नहीं आएगा, सचमुच कोई ना कोई आ गया और देखा बाबा विश्व का नव निर्माण का गोला बना रहे हैं। तो ऐसे करते बाबा ने जो अब जानंती मांग मुड़ा मुड़ा मोती मानुष उसको पहचान नहीं पाया। जगदीश भाई ने और लिखता है जब कलकत्ता में मेला हुआ था, सारे वहां जो विरोधी पक्ष थे ज्ञान का अच्छी रीति समझ नहीं पाया, उन्होंने क्या किया हमारे सेंटर में विरोधिता किया, पंडाल जला दिया और इसको इसके बारे में एक विश्वामित्र पत्रिका जो होता है उन्होंने लेख लिखा है ये ब्रह्मा कुमारी ऐसा ऐसा गलत काम करता है। तो जगदीश भाई ने बाबा के पास आके पहुंचा, बाबा ये पत्रिका ने ऐसा ऐसा लेख लिखा है। तो बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया, उनका क्या नाम रखा है, विश्व का मित्र, तुम उनको अच्छी तरह समझाओ जे तुम्हारा नाम है विश्व का मित्र, हम के विश्व के बाहर है, हम भी तो आपके मित्र है, हमारे के हमारे लिए ऐसा कुदृष्टि मन की भावना क्यों खराब है। उन्होंने समझा और दूसरा चौथा दिन में दूसरा कलम में लेख अपने बारे में अच्छा करके लिख दिया। तो बाबा ने फिर भी जगदीश भाई और एक बात उन्होंने उल्लेख किया, यह हमारे एक मित्र है, उनको बाबा के बातें अच्छी रीति समझाओ। उन्होंने क्या देखा तो दो चार को जिज्ञासा किया है जे कौन है व्यक्ति बाबा के जो मित्र है, बाबा उनके पास जाने के लिए बोलते हैं।
दूसरे भाई बहन ने बोला, बाबा का मित्र नहीं है वो, तो बाबा को रात दिन गालियां ही देते हैं, गालियां ही देते हैं, इस आंख में देख नहीं पाते हैं बाबा, ये ब्रह्मा कुमार कुमारे को देख नहीं पाते हैं, तो बाबा का भाव क्या है वो विश्व का, वो भी हमारा मित्र है। तो जो हमारा दुश्मनी करे, मित्र हमारा कोई कुछ बात है ना, निंदा हमारे जो करे मित्र हमारा सो, तो ये पत्रिका हो कोई भी हो, जो हमारा दुश्मनी करता है, कोई ग्लानी करता है, वो हमारा कोई विरोध नहीं कर रहे, बल्कि हम देखा गया यज्ञ में जो भी विरोधिता किया उन्होंने आके सरेंडर हो गए, झुक के क्षमा प्रार्थना किया है, हमारा कुछ गलती हो गए। उस मेले में हम देखते हैं जो आते हैं मोक्ष के लिए, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिलता है, उसको प्राप्ति नहीं होता है उसका। आज एक मुरली में मृग तृष्णा के बारे में बात उल्लेख किया है, उस वो लोग तपस्या आते हैं, सिर्फ स्नान करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसका लक्ष्य कुछ नहीं होता है। बाबा ने यहां स्पष्ट कर दिया तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यह सिर्फ स्नान करने का लक्ष्य नहीं है, वो भी तो लक्ष्य है, जब तक वहां तक सेंटर तक आए हैं, फिर बहने वहां सेंटर से ले आके महाकुंभ में ले आते हैं, ले आने के बाद यहां क्या होता है, चार धाम तो हो गया, उसके बाद क्या रह गया, आत्मा और परमात्मा का महामिलन। जब बाप दादा का पदरामणि होते हैं वहां देखते हैं जी, यहां हजारों लोग इकट्ठे बैठ के बाबा के सामने साइलेंस में मनमन अभव रूपी महामंत्र होके अपना स्वरूप बन के बाबा का एक एक महावाक्य सुनते हैं और स्वरूप में ले आते हैं। उस मेले में तो कितना शोर मस्त है, कितने मिलिट्री लगते हैं, कितने उसका रेस्ट्रिक्शन होता है, आने के बाद वैक्सीन दे देते हैं ताकि अपना जर्म्स दूसरों को ना फैले, बा दूसरा का जर्म्स अपने ऊपर ना आए। यहां भी बाबा क्या बोलते हैं, स्वदर्शन रूपी वैक्सीन दे देते हैं, अपने आप को देखो कहीं संग दोष न लग जाए, कहीं प्रदर्शन में न जाए, अपने आप को देखो और बाप को देखो, खुद को देखो और खुदा को देखो। ये कुंभ मेला में ये हमारा लाभ हुआ। ये दूसरा दो चीज जब हम अपना लेते हैं, खुद को देखते हैं, खुदा को देखते हैं, जब परमात्मा का अवतरण होता है तब क्या होता है, सारे 63 जन्म का जो प्यास है वो बुझ जाता है। ये हमारा मूल जो लक्ष्य था, आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो ये मिलन हो जाता है। इस मिलन में कोई अप्राप्ति नहीं है, प्राप्तियां ही प्राप्तियां, प्राप्तियां ही प्राप्तियां, एक बाप हमारा संसार हो जाता है। इस मिलन में देखता हूं कि एक बृहत परिवार, बाबा बोलते हैं जिसको बेहद के परिवार, संसार में परिवार देखता है 8-10 परिवार, 20-50-100 की परिवार देखा है, लेकिन ऐसा बेहद की परिवार कहां मिला है। हम जब हिस्ट्री पढ़ते थे वहां भी लिखा है वैचित्र में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहां भी देखता हूं कि कितना वैचित्र, सिर्फ भारत नहीं है, भारत के बाहर से भी जितने भी विदेश है, अभी बोलते हैं कल हमने सुना वो जो प्रवचन दे रहे थे, 140 देशों से सारे सब आते हैं। तो यहां हमारे जो ज्ञान की नदियां हैं वो कहां पहुंचे हैं, महाकुंभ में। तो एक कहावत है, सभी तीर्थ बार बार, सागर तीर्थ एक बार। भारत हो और देश हो, जैसा मुस्लिम में भी उस धर्म में मक्का मदीना एक बार हज करने जाते हैं ना, तो यहां भी हमारे सागर तीर्थ एक बार। सारे भारत में तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है, ये जैसा यहां नदी उत्पन्न होता है, नदी से मिलने के लिए सब प्यासी आते हैं प्यास बुझाने के लिए, लेकिन यहां बाबा क्या बोला है, सागर कौन सी सागर, एक ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा ये गंगा नदी, गंगा यमुना होके फिर गंगा होके निकले थे, फिर जब बंगाल में पहुंचे वहां फिर
ये गंगा नदी दो भाग हो गए, एक पद्मा एक गंगा। गंगा कलकत्ता के ऊपर से गया, पद्मा जो है बांग्लादेश के ऊपर से गया, फिर लास्ट में जो यमुना अपना नाम ओरिजिनल रखा था, फिर लास्ट में अपना नाम ले लिया, वो यमुना होके उधर पहुंचे सागर में, सागर में ब्रह्मपुत्र यमुना और ये गंगा तीनों मिलन, वो डायमंड हार्बर बोलते हैं, जहां गंगा सागर मिला होता है। 5 करोड़ 10 करोड़ वहां श्रद्धालु आते हैं, वहां स्नान करते हैं, और मिलता क्या है, वो भक्ति का कांड चलता है। कोई साधु ऋषि मुनि अपना अपना रूप से अपना अपना रूप दिखाते हैं, कोई मिट्टी के अंदर घुस जाता है सिर्फ सिर दिखाते हैं, कोई एक टांग में खड़ा होता है, कोई आग में कुछ पानी में ऐसा ऐसा कुछ दृश्य दिखाते हैं। यहां क्या बोलते हैं बाबा, एक टांग माना, एक बल एक भरोसा, एक बाप दूसरा न कोई, स्थिति में रहो तो तुम्हारे कोई कुछ रास्ता में बाधा नहीं हो सकता है, तब हमारा रास्ता क्लीन एवं क्लियर हो जाएगा। वहां तो सिर्फ शरीर का मैल थोड़ा बहुत धुलता है, यहाँ क्या होता है 84 जन्म का जो मैल है सारे, हाँ 63 जन्म का जो मैल है ये सारे धुल जाते हैं, क्योंकि मैल तो थोड़ा थोड़ा पहले जन्म से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हुआ। तो बाबा बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारा आत्मा का मैल एकदम हाँ मैल नहीं बोलता है, फिर भी तो थोड़ा बहुत। बाबा यहाँ क्या बोलता है, यहाँ सागर में, कौन सी सागर, ज्ञान सागर में अगर डुबकी लगाओ तो क्या होगा, ज्ञानपुरी बन जाएंगे। हाँ वहां डायमंड तो रखा है लेकिन हार्बर कर दिया, हार्बर माने जहां जो शिप होता है ना, जहाज होता है, वहां आके नंगर लगाते हैं। ये कौन सी जहाज यहाँ पहुंचे हैं, ये हमारे जो बहने हैं, ये जहाज माफिक वहां से जहाज में क्या भर के लेके आए हैं, सब हमारे जो बाबा के बच्चे हैं ना, जो ये सारे सब भर के जहाज भर के लेके आए हैं। ये डायमंड हार्बर नहीं, ये डायमंड हल में जो बाबा आते हैं वहां हमारे पधरावणी चलता है। तो देखता हूं सब बाबा के बच्चे ओत प्रेत हो के बाबा का वाणी सुन के एकदम लवलीन हो जाते हैं और उसका प्यास बुझ जाते हैं, और इस प्यास बुझने के बाद उनके जो पंख लग जाते हैं, वहां देखा जाते हैं मान सरोवर में आदि आदि डुबकी लगाते हैं तो उसका पंख लग जाते हैं। यहाँ कौन से पंख लग जाते हैं, उमंग उत्साह के पंख, ज्ञानोग के पंख लग जाते हैं, और चेहरा चमक जाते हैं, और यहां से डुबकी लगाने के बाद उसको तो पैर जैसा धरती में होता नहीं, फर्श से लेकर, फर्श बोलते हैं ना, फर्श से लेकर अर्श निवासी बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। हमारा भी लक्ष्य क्या है, फर्श निवासी से अर्श निवासी बनना है। जो हमारे ड्रिल 5 ये सब 5 स्वरूप का ड्रिल बाबा बताते हैं, तो हम हमारे यहाँ क्या क्या लक्ष्य मिलता है, हम लोग ओरिजिन कहाँ थे, मूल वतन में हम लोग बिंदु रूप में थे। मूल वतन भी एक प्रकार कुंभ मेला है, वहां जो परम धाम में हमारा चित्र दिखाते हैं ना, आप देखेंगे घड़े के रूप में, कुंभ के रूप में, वहां स्टार बिंदी बिंदी रहता है आत्मा। यहां भी भक्ति में हम देखते हैं जब कोई देवियों का देवता का पूजन होता है तो पहले घड़ा भर के पानी, कहीं शुद्ध पानी पवित्र पानी जल लेके आते हैं, और उसमें बोलते हैं कि इसके बिंदी में बीच में जो बिंदी बिंदी पानी होता है, बारी होता है, जल होता है, वो आत्मा का प्रतीक है। ऊपर एक श्रीफल रखता है, नारियल रखता है या तो बेल रखता है, तो ये कौन से है, शिव बाबा का प्रतीक है। ऊपर परमधाम जब हम 5 स्वरूप का ड्रिल करते करते लास्ट में वहां भी पहुंचता है, वो भी एक महाकुंभ है। वहां वहां भी हम जब पहुंचते हैं वहां हमारे क्या होता है, विकार का कोई नाम अंश मात्र भी नहीं रहता है, वहां हमारे विकार से मोक्ष हो जाते हैं। और वहां रहते रहते जब हमारा 100% फुल चार्ज हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, यहाँ शरीर छूट जाएंगे, तो हम फिर नेक्स्ट देवता के रूप में जन्म लेंगे और हमारा सतयुग में जन्म होगा। तो
ये जो हमारा लक्ष्य था, क्या हमारा उन लोगों का लक्ष्य नहीं है स्नान करना है और थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करके पुण्य, और सोचते है इसमें हमारा कुछ पूर्ण हो गया, कुछ प्रवचन सुन लिया वो चला गया। अभी आते हैं यहां, वहां का प्रवचन और यहां का प्रवचन में क्या फर्क है। यहां भी जो आते हैं उनको ऐसा यहां नहीं रखा जाता है, यहां भी पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर एक बैज दिया जाता है, तुम जो यहां एक हफ्ता रहेंगे उसके लिए ये है एंट्री कार्ड, खाने में जाओ, सोने में जाओ, बिस्तर में, एकोमोडेशन में जाओ, कुछ भी करो, ये है तुम्हारे 7 दिन के लिए, एक हफ्ता के लिए, कि विदेशी के लिए 15 दिन के लिए, ये फ्री एकोमोडेशन, सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा। और यहाँ हमारे सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक एक दिनचर्या रहते हैं, उसी अनुसार हमें चलना पड़ता है। वहां भी ये देखते हैं ना ध्यान धारणा, यहां भी हमारा ध्यान धारणा, योग तपस्या ध्यान धारणा सब कुछ हमारा रहेगा, तो हमारा सारे यज्ञ कैसे बन जाएगा, एक कुंड बन जाएंगे। जो भी आएंगे यहां हर दिन हमारा जो स्वोन्नति के लिए क्लास चलते हैं, बड़े बड़े दादिया बड़े बड़े भाई जो क्लास कराते हैं, किस लिए, हमारे इस मार्ग में हम अच्छी रीति चल पाएंगे, हम भी एक एक ज्ञान नदिया बन जाएंगे, उसके लिए उन्होंने धारणामूलक क्लास कराते हैं। और उस क्लास सुन के मनुष्य पावन नहीं बनते हैं, इस क्लास सुन के हमारे आत्मा शुद्धि, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो हम जब आत्मा शुद्धिकरण होता है, धीरे 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 क्या होता है, जो परदर्शन परचिंतन, उससे हमारा लक्ष्य छूट के एक लक्ष्य में टिक जाते हैं। तो वो लक्ष्य कौन सी है, जिसको बाबा बोलते हैं।